तो अगर आप एक लैपटॉप या कंप्यूटर परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर या लैपटॉप के एक बेसिक स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं कि जिससे आप एक अच्छा कंप्यूटर या लैपटॉप सिलेक्ट कर सकें, तो ऐसे काफ़ी सारे सवालों के जवाब के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आप देख रहे थे टेक टॉक्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात हो स्मार्टफोन्स की या फिर बात हो उनसे जुड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, हम करेंगे सारी बात आपके साथ। और आप देख रहे थे टेक टॉक्स, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे वो जो लाल वाला बटन है उसे ज़रूर दबाएं। तो अगर बात की जाए डिस्प्ले की, तो जब आप एक लैपटॉप के डिस्प्ले की बात करते हो तो आपको काफ़ी सारे वेरिएंट्स मिलने वाले हैं। इसी के साथ कंप्यूटर्स में भी, यानी कि डेस्कटॉप में, तो डेस्कटॉप में भी आपको काफ़ी सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है। लेकिन लैपटॉप में आपको एक बेनिफिट है कि आप इसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं, जबकि डेस्कटॉप में आप साथ में लेकर नहीं घूम सकते हो। तो ठीक है, पहले बात करते हैं डेस्कटॉप की। तो डेस्कटॉप की अगर बात की जाए तो आपको स्क्रीन साइज में काफ़ी बड़ी डिस्प्ले मिलने वाली है, जिसमें हो सकता है कि वो डिस्प्ले 17 इंच से लेके 20 इंच तक या फिर उससे भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। माना कि छोटी डिस्प्ले वाले डेस्कटॉप भी अवेलेबल है, लेकिन जनरली आपको काफ़ी अच्छी डिस्प्ले मिलने वाली है। अब बात की जाए लैपटॉप के डिस्प्ले की, तो जनरली आपको मिलने वाली है 11 इंच से लेके 17 इंच तक। और जहाँ पे हम प्रोफेशनली अगर बात की जाए तो 15 इंच की डिस्प्ले काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन रहता है, और जनरली आपको काफ़ी सारे लैपटॉप्स 15 इंच की डिस्प्ले में मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप ऐसे कुछ सोच रहे हैं कि लैपटॉप का आप साथ में कैरी करके घूमना चाहते हैं, या फिर इजीली कहीं पे भी बैठ के अगर आप काम करना चाहते हो, तो 13 इंच की डिस्प्ले भी आप प्रीफर कर सकते हो। लेकिन जब आप 13 इंच की डिस्प्ले लोगे तो तब आपको नंपैड नहीं मिलने वाला है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। और बात की जाए अगर डिस्प्ले की क्वालिटी की, तो आपको मिलने वाली LCD और LED। इसी के साथ काफ़ी सारे वेरिएंट्स भी अवेलेबल है, लेकिन ये दोनों वेरिएंट्स कॉमनली यूज़ होते हैं। तो ये थी बात डिस्प्ले की। दूसरे हम बात करने वाले प्रोसेसर की। तो जब आप एक प्रोसेसर के बारे में सोचते हो, तो जब एक कंप्यूटर की बात आती है, तो सारे जो भी टास्क आप परफॉर्म करते हो, जैसे कि किसी एप्लीकेशन को ओपन करना या उसमें कुछ काम करना, जैसे कि वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, जब आप ऐसी किसी भी एप्लीकेशन में काम करते हो, तो उसके रिलेटेड जो भी सारी प्रोसेसिंग हैंडलिंग होती है वो सारी प्रोसेसर हैंडल करता है। फिर चाहे वो बात हो गेमिंग की, या फिर वो बात हो किसी फोटोशॉप की सॉफ्टवेयर की, या फिर कोई और भी टास्क की जिसमें आपको कुछ काम करना पड़े, तो वो सारी हैंडलिंग होती है प्रोसेसर से। अब बात की जाए प्रोसेसर की, तो मार्केट्स में काफ़ी सारे प्रोसेसर अवेलेबल है, लेकिन जो वेल नोन ब्रांड है वो है इंटेल और AMD। इसी के साथ अगर आप इंटेल की बात करें, तो आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है कि आप इंटेल में से कोई भी प्रोसेसर सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि i3 है, i5 है, i9 है, तो वैसे ही आप काफ़ी सारे प्रोसेसर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। और इसी के साथ अगर बात की जाए AMD की, तो AMD के भी काफ़ी सारे अच्छे प्रोसेसर्स अवेलेबल है, लेकिन ऐसे माना जाता है कि गेमिंग के लिए जनरली इंटेल के प्रोसेसर्स को पसंद करने में आता है। और बात की जाए अगर इंटेल के प्रोसेसर की, तो उनमें भी जनरेशन आती है, तो आप किसी भी जनरेशन के लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स का प्रोसेसर ले सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन योर बजट। तो आगे बात करते हैं हम हार्ड डिस्क की। तो अगर हार्ड डिस्क की बात की जाए, तो जैसे ही फ़ोन में एक इंटरनल स्टोरेज होती है कि जहाँ पे हम सारे अपने डेटा स्टोर करते हैं, जैसे कि आपके फ़ोटोज़, वीडियोज़, मूवीज़ और काफ़ी सारी चीज़ें जिसे हम स्टोर करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर्स में होती है हार्ड डिस्क। तो जो हार्ड डिस्क होगी वो डिसाइड करेगी कि आप कितना डेटा अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो। अब बात की जाए अगर हार्ड डिस्क की, तो आपको 100 GB से लेके 1 TB, 2 TB तक आपको हार्ड डिस्क मिलने वाली है, जैसे हम कह सकते हैं TB। आपको ऐसे काफ़ी सारे वेरिएंट्स में हार्ड डिस्क मिलने वाली है। लेकिन अगर एक नॉर्मल लैपटॉप या कंप्यूटर्स की बात करें, तो आप 500 GB तक हार्ड डिस्क ले सकते हैं। अब बात की जाए अगर हार्ड डिस्क की एकदम डिटेल में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाली HDD, जिसको बोलते हैं हम हार्ड डिस्क ड्राइव, और SSD, जिसे हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो अगर इन दोनों हार्ड डिस्क की अगर बात की जाए, तो HDD और SSD में फ़र्क क्या है? तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है कि जब आप एक SSD हार्ड डिस्क लेते हो, तो SSD कंपेयर टू HDD काफ़ी फास्ट वर्क करती है। इसी के साथ SSD जो है उसका पावर कंजप्शन भी काफ़ी कम है कंपेयर टू HDD। इसी के साथ जो इनपुट आउटपुट होता है, जो प्रोसेस करना होता है प्रोसेसर को, तो वो कंपेयर में भी SSD HDD से काफ़ी फास्ट है।
इसी के साथ काफ़ी और सारे फैक्टर्स भी है जिसकी कंपैरिजन में एसएसडी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है कंपेयर टू एचडीडी। लेकिन एक बात जिसका आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एसएसडी ले रहे हो तो वो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ने वाली है, क्योंकि कंपेयर टू एचडीडी काफ़ी चीपर है एसएसडी के मुकाबले। माना कि आप, हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप जितनी प्राइस में एचडीडी ले रहे हो उससे आपको दो गुना ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगी उतनी ही एसडीडी के लिए, या फिर हो सकता है उससे कम साइज़ में। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्राइस एक काफ़ी बड़ा एक फैक्टर है इन दोनों के बीच में सिलेक्ट करने में। हालांकि एक नॉर्मल यूज़र के लिए आप एचडीडी भी ले सकते हो, आपको उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस में इश्यू नहीं आने वाला है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको एसडीडी ही लेना है। और बात की जाए अब रैम की, तो रैम, तो जब आप रैम की बात करें, जैसे फ़ोन में रैम होती है कि जो भी आप टास्क परफॉर्म करते हो उसको स्मूथ बनाने के लिए, या फिर उसको एक वो टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ ऐसी स्टोरेज चाहिए कि जहाँ पे प्रोसेसर उसको स्टोर करके टास्क को परफॉर्म कर सके। तो ऐसे ही कंप्यूटर्स में भी रैम होती है। हालांकि बात की जाए तो कंप्यूटर्स में आपको 1 GB से लेके 32 GB या 30 GB या 16 GB जो भी आपका वेरिएंट होगा उस हिसाब से आप अपने रैम को एडजस्ट कर सकते हो। हालांकि बेसिकली एक नॉर्मल यूज़र के लिए 4 GB रैम भी इनफ हो जाती है, तो आप 4 GB रैम तक भी ले सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप चाहो तो रैम को भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, जिसमें आप एक्स्ट्रा से 8 GB, 4 GB या 16 GB रैम लगा सकते हो। अब बात की जाए बैटरी की, तो बैटरी के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि निकल कैडमियम या फिर निकल मेटल हाइड्राइड या फिर लिथियम आयन, तो बेसिकली आपको बैटरी में कंप्यूटर्स में लिथियम आयन बैटरी ही मिलने वाली है। मतलब दूसरी सारी बैटरीज के टाइप्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज टाइप है लिथियम आयन बैटरी। तो बैटरी एक अच्छा फैक्टर है जहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप अच्छे से अच्छी बैटरी सिलेक्ट करें, जो कि डिपेंड्स होता है कंप्यूटर्स के वेरिएंट्स और लैपटॉप्स के वर्जन्स के हिसाब से। तो अगर आप एक कंप्यूटर परचेस कर रहे हो तो फिर आपको बैटरी का कोई इशू नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप प्लग करने वाले हो और डायरेक्ट आप उसको पावर सप्लाई देने वाले हो। लेकिन अगर आप एक लैपटॉप की बात कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है बैटरी के परफॉर्मेंस और बैटरी के वेरिएंट के बारे में, ताकि आप एक अच्छा पावर बैकअप ले सको। नेक्स्ट हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो जहाँ पे बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे वेरिएंट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि विंडोज़, मैक, लिनक्स। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, लेकिन मोस्ट नोन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो वो आपको विंडोज़ मिलने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि जो विंडोज़ का GUI इंटरफेस है वो काफ़ी सिंपल है और लोग इसे पसंद करते हैं। हालांकि बात की जाए एप्पल के लैपटॉप्स की, तो जब आप एक एप्पल का लैपटॉप परचेस करते हो तभी आपको मैक ओएस मिलने वाली है, और जब इसके अलावा आप कोई दूसरा लैपटॉप परचेस करोगे दूसरी कंपनी का, जैसे कि HP, डेल, लिनोवो, तो तब आपको मिलने वाली है विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर नेक्स्ट बात हम करने वाले वेबकैम की, तो अगर वेबकैम की बात की जाए, तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो कि जिसका ऑफिस वर्क है और आपको बार बार ऐसे वीडियो कॉल करना पड़ता है या फिर आपको मीटिंग्स अटेंड करना पड़ती है, तो वेबकैम आपके लिए एक ज़रूरी फैक्टर होने वाला है। तो जब आप एक कंप्यूटर परचेस कर रहे हो तो हालांकि आपको कंप्यूटर्स में काफ़ी अच्छे वेबकैम्स मिलते हैं, डिपेंड्स करता है कि आप कौन सा कंप्यूटर परचेस कर रहे हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके कंप्यूटर में वेबकैम अवेलेबल हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेंसर्स की। हालांकि कंप्यूटर या लैपटॉप परचेस करने में सेंसर्स पे हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें आपको टेम्परेचर या एम्बिशेंट लाइट, गायरो सेंसर और काफ़ी दूसरे सेंसर्स आपको मिलने वाले हैं। CD ड्राइव, अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में काम करते हो जहाँ पे बार बार आपको ऐसे CDs का यूज़ करना पड़ता है, जिसमें आपको CD को बर्न करना हो, या फिर जैसे मार्केट में CDs अवेलेबल होती है जिसमें सॉन्ग्स होते हैं, मूवीज़ होती है, तो ऐसे किसी काम को अगर आप कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपके कंप्यूटर में एक CD ड्राइव हो। CD ड्राइव का सिंपल मीनिंग है कि ऐसे लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स में जिसमें आप एक CD डाल सको और उसे रीड कर सको, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके कंप्यूटर में एक CD ड्राइव भी अवेलेबल हो। स्पीकर्स, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो म्यूज़िक सिस्टम्स के साथ वर्क करते हैं, तो ऐसे लोग हैं या फिर जो लोग म्यूज़िक एडिटिंग या ऐसे किसी टास्क के साथ वर्क करते हैं, तो उनको ध्यान रखना है कि उनके लैपटॉप्स में एक अच्छा स्पीकर हो,
क्योंकि जनरली सारे लैपटॉप में एक अच्छा स्पीकर, एक्स्ट्रा स्पीकर्स नहीं होते हैं कि जो एक्स्ट्रा आपको म्यूज़िक का एक्सपीरियंस दे। जैसे कि HP के लैपटॉप्स की बात की जाए तो वहाँ पे आपको बीट्स ऑडियो का एक सपोर्ट मिलने वाला है, जिसमें काफ़ी अच्छे स्पीकर्स मिलते हैं, क्योंकि वो म्यूज़िक और स्ट्रीमिंग के लिए काफ़ी अच्छे लैपटॉप्स माने जाते हैं। तो इसी तरह काफ़ी सारे फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में हमने यही सारी बात करनी थी कि आप कैसे एक अच्छा लैपटॉप परचेस कर सकते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर्स। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, और आप देख रहे थे द टेक टॉक्स, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।